दोस्तों आपको 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने जो है पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं, किस तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे आप बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज देखे होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो है लाइव करके दिखाने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा यूनिक भी दिखाने वाला हूँ। अगर आप अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड नंबर को अगर लिंक नहीं करते तो आपको जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों आपको 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जा करके किस तरीके से वहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में चले आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग .gov.in। इसको यहाँ पर जो है मैंने लिंक दे दिया है, सिंपली उसे जो है आप क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो सिंपली इसे सर्च कर लेते हैं हम। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस तरीके का। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिल जाता है ई वेरीफाई, रिटर्न, लिंक आधार, ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाने के बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ लिंक आधार स्टेटस में आकर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ कोई सर्च लेगा। सर्च लेने के बाद सिंपली आपको जो यहाँ पर अपना क्या क्या भरना है वो आप यहाँ पर देखते हैं। पैन कार्ड का जो नंबर भरना है यहाँ पर और आधार नंबर भरना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर जो मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, उसे अगर आप क्लिक करते हो तो सिंपली आप यहीं पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर फिलअप कर लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों जो भी आपका, अगर आपका आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर आपको नहीं बताएगा। तो सिंपली दोस्तों जब भी आप यहां पर भर लोगे अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर, तो सिंपली आपको क्या करना है, व्यू लिंक आधार पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहां पर आप क्लिक करते हो तो आपका अगर लिंक होगा तो यहां पर लिंक बताएगा, अगर लिंक नहीं होगा तो यहां पर लिंक नहीं बताएगा। तो चलिए देखते हैं ये जो पैन कार्ड नंबर ये आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, चलिए हम देख लेते हैं। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है मैसेज दिया जा रहा है, यू पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, यानी कि जो है इसका जो लिंक पहले से है आधार कार्ड से है। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके का कुछ मैसेज आएगा। अगर आपका नहीं मैसेज आया हुआ है, यानी कि आपका जो नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं, अगर आप ये नहीं जानते विदाउट CSC का, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको उसे सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।